नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी न्यूज में। निगम परिषद बनने के बाद नगर निगम का पहला परिषद सम्मेलन शुरू हो गया है। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होने वाले इस परिषद सम्मेलन को लेकर सभी 85 पार्षद इसमें शामिल होंगे। सम्मेलन में कई नए पुराने मुद्दों के प्रस्ताव समीक्षा को लेकर मंथन होने के साथ मुहर लगेगी। सम्मेलन शुरू होने से पहले निगम सभापति मुन्ना लाल यादव और महापौर पुष्यपति भार्गव ने दोनों पार्टियों के दिवंगत नेताओं और मोरवी हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी ने मुलायम सिंह, कॉमेडी राजू श्रीवास्तव सहित सभी दिवंगत को भी श्रद्धांजलि दी। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही आज 6 दिसंबर को शौर्य दिवस के मौके पर सभी ने जय श्री राम के नारे लगाए। सम्मेलन में विधायक रमेश मैंदोला और मालिनी गौड़ भी मौजूद रही। सम्मेलन की तैयारियों को लेकर सोमवार को भाजपा ने अपने कार्यालय पर पार्षद की बैठक ली। दूसरी ओर कांग्रेस पार्षद सम्मेलन में कई मुद्दों को लेकर घेराबंदी की तैयारी शुरू की गई है। प्रश्नकाल के रूप में होने वाले इस सम्मेलन में हंगामा होने की आशंका भी जताई जा रही है। पहली बार हो रहे इस परिषद सम्मेलन को लेकर काफी गहमा गहमी बनी हुई है। भाजपा ने इस सम्मेलन में जलूद में 305 करोड़ की लागत से बनने वाले 100 सोलर प्लांट का मुद्दा रखेगी। ग्रीन बेल्ट पर बनने वाली इस प्लांट के मामले में बिजली के बिल का मुद्दा अहम रहेगा। ऐसे ही शहर की सुरक्षा के लिए पूर्व में जन भागीदारी के शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाना तय हुआ था। यह भी याद रखा गया कि एक अन्य मुद्दा देवश्री टॉकीज के संपत्ति कर चार्ज में निर्धारित से अधिक छूट देने का मामला है, जिसमें निगम को 45 लाख रुपए से ज्यादा की चपत लगी। इसमें निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल द्वारा कराई गई जाँच के दौरान 28 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई थी। कांग्रेस इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहें डीवी न्यूज में।